को निकालेंगे, एक यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और जब आप इसमें देखो तीन चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, दूसरी क्या है आंखों की अभिलाषा, और तीसरा जीविका का घमंड। एक मसीह व्यक्ति दो तरीके से आगे चल सकता है, बढ़ सकता है। वो संसार में जाकर उनकी कोई भी चीज़ को अपने ऊपर अफेक्ट ना होकर वो वापस अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच सकता है। दूसरा, उस संसार में जाकर कुछ चीज़ों को अपने जीवन में लेकर वापस आ सकता है। तो उन दोनों में अंतर क्या होगा? पहला वाला व्यक्ति, उसे पता है कि वो संसार में तो है, अपने काम के लिए वहाँ जा रहा है, अपनी चीज़ों के लिए वहाँ जा रहा है, पर किसी का भी प्रभाव उसके आत्मिक जीवन पर कते नहीं पड़ पाएगा। और दूसरा व्यक्ति क्या, थोड़ी चीज़ों को, अच्छा उसके दोस्तों के साथ बैठा, काम पे गया, उसने कहा वो नशे कर रहे हैं, कि अच्छा एक गिलास से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने क्या किया, चल कॉम्प्रोमाइज़ उस जगह पर करके उस इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव के द्वारा अपनी आत्मा की चिंता छोड़कर शरीर की अभिलाषा के पीछे अपने आप को लगा लिया। दो टाइप के लोग, दोनों संसार में गए, परंतु आप कौन से व्यक्ति बनते हो वो आपके ऊपर है। उत्पत्ति 6:11-12। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जो अंतिम दिन हम देख रहे हैं, इसमें दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि यहोवा अपने प्रकोप को इस संसार के ऊपर लेकर आने वाला है। और जिनका चाल चलन सही नहीं है, जो वचनों को सीरियसली नहीं ले रहे, मैंने कहा वो अपने आप को इतना कोसेंगे, इतना बोलेंगे कि मैं वहां बैठा था, खुदा के दासी बताते थे कि ये काम मत करो, ये अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करो, प्रार्थना में आओ, संगति में आओ, पर मैंने उन चीजों को लाइटली लेकर मैंने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। अगर इस वचन को नूह के समय पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा है परमेश्वर ने दृष्टि लगाई, इसका मतलब उसका ध्यान कहां पर है, मनुष्य के ऊपर, संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि वो कैसे अपने जीवन को जी रहे। तो परमेश्वर वहां पे क्या कह रहे हैं कि इतनी बिगड़ गई, मैं इनको सुधार ही नहीं सकता, इनका कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे इनको देख के घृणा आती है। अगर आप इसको आगे जब पढ़ते जाएं, इसमें लिखा है कि मुझे अब इन सबको नाश करना है, मैं नहीं चाहता इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं इन सबको बनाकर मैं पछताया हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है 6:6 शायद आगे शुरू करें, उसमें लिखा है कि यहोवा ने इस बात को बोला कि मैंने पृथ्वी को, मनुष्य को बनाकर, इन चीज़ों को बना, इनको हर चीज़ देने के बाद भी ये आत्मिक बनने की जगह ये शारीरिक बन रहे हैं, तो कह रहे मैं इनको बनाकर पछताया हूँ। इतना परमेश्वर आपके चाल चलन पर दृष्टि करता है। एक मसीह होने के नाते आत्मिक या शारीरिक, क्या अपने चाल चलन को जी रहे हो? ये आपकी मर्जी है, कैसा मर्जी, परमेश्वर ने आपको बांधा नहीं कि नहीं ये नहीं कर ये कर, आपके सामने बोला कि ये सही है ये गलत है, मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुने, पर तेरा चुनाव क्या है? एक अभिलाषा, एक ऐसी बात, एक ऐसा पाप, एक ऐसी चीज जो आपको संसार से जोड़े रखती है, उसके द्वारा याद रखो आप उस ग्रेटर ब्लेसिंग को, उस अनंत काल के जीवन को उन बातों से वंचित रह सकती हैं जो यहोवा ने आपसे वायदा किए हैं। फिर यीशु ने आगे एक बात कही, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, एक सुई के उस होल में से एक ऊंट का जाना संभव है, पर एक धनी का या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अभिलाषाएं रखता है संसार में, जिसका मन है, उसके लिए ये बहुत कठिन है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। कोई भी ऐसी अभिलाषा है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन में है, जो आपको रोके रही है, आप दौड़ना तो चाहते हो परमेश्वर के उस मार्ग पर वो अभिलाषाएं ने आपको पकड़ा हुआ है। वो एक अभिलाषा हो सकती है, वो आपके मन में चलते हुए वो थॉट्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको भटका दें उस मार्ग से। तीन चीजों को बताना चाहूंगा जिसके द्वारा आप इन शरीर की अभिलाषाओं से दूर रह सकते हैं। पहली चीज जब देखते हैं वो है इस शरीर को मरा हुआ समझना। आप में अब आप नहीं जी रहे, पर परमेश्वर यीशु, पवित्र आत्मा आपको ये जीवन जिसने दिया है वो जी रहा है। और क्या आप अब इस मंदिर को पाप की ओर लगाएंगे या नहीं, वो आपके। एक वचन को खोलेंगे रोमियो
6:8 को। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यीशु के साथ हम मर गए, अपने उस अभिलाषाओं को, मन की इच्छाओं को, थॉट्स को, वो संसार की बातों को मारना इस शरीर में। और वो कैसे मरेंगी? जब आप यीशु के साथ चलोगे, यीशु को अपने अंदर काम करने दोगे, अपने आप को मरा हुआ समझोगे कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे चलाने वाला मैं नहीं, मेरा दिमाग नहीं, पर पवित्र आत्मा है। अपने आप को मरा हुआ समझना, तभी आप परमेश्वर की उन इच्छाओं पर चल सकेंगे, उसके मार्गदर्शन पर चल सकेंगे, और दुष्टता वाले कामों से आप तभी दूर रह सकेंगे। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो यीशु मसीह के हैं, क्या आप यीशु मसीह के हैं? आपने यीशु के साथ उन चीजों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आपको पता है कि जब यीशु ने उन चीजों को ले लिया है तो वो मेरे जीवन में आ नहीं सकती, उन्हें मैं अपने जीवन में आने नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके साथ दफन भी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन में देखते हैं उसमें लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर यीशु ने उस मृत्यु के डंक को जीत लिया है। उसे क्या है? मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? तेरी जय कहाँ है? क्योंकि यीशु ने उसे जीत लिया है। वैसे ही एक बात मसीह व्यक्ति को याद रखनी है कि आप जयवंत से बढ़कर हो, आप विक्टोरियस हो, और जब आप विक्टोरियस हो तो इन अभिलाषाओं का कोई भी अधिकार नहीं कि वो आपके ऊपर आ सके। आपने एक ही बात को याद कराना है अपने आप को कि वो अभिलाषाएं, वो इच्छाएं, वो बातें जो मुझे पाप कराती हैं, वो उस क्रूस पे चढ़ गई और मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, विक्टोरियस हूँ, तो मैंने इन अभिलाषाओं के ऊपर विक्ट्री को प्राप्त कर लिया है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक मसीह व्यक्ति का बहुत जरूरी है। राइट अंगीकार एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। आप जब तक नहीं कहोगे कि ये अभिलाषाएं मैं ना फंसूंगा, आप उन अभिलाषाओं में कभी नहीं फंसोगे। जब तक आप कहोगे कि परमेश्वर सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सिर्फ यही बोलते रहोगे, एक स्ट्रॉन्ग फेथ और एक स्ट्रॉन्ग मुंह से अंगीकार कि मैं इन अभिलाषाओं में नहीं गिर सकता, मैं इस पाप में नहीं गिर सकता, ये मेरे द्वार पर तो खटखटाएंगे, पर वो द्वार की चाबी पवित्र आत्मा के पास है, और पवित्र आत्मा को पता है कि कौन सी बात को मेरे इस बॉडी में लेकर आना है, शरीर में लेकर आना है। जब आप उसे अनुमति देते हैं, मैंने पहली बात बोली, उसे बोलते हैं, अनुमति देते हैं कि तुझे पता है आपने नियंत्रण लिया है इस मेरे शरीर पे, मेरे जीवन के ऊपर, तो आप बेस्ट करें चीज़ों को। उसे जब अनुमति देते हैं, याद रखो कोई भी अभिलाषा आपके ऊपर कभी नहीं आती, आप हमेशा विक्टोरियस रहते हैं। आमीन। तीसरी बात, शरीर और आत्मा एक दोनों के, ये एक दूसरे के विरोध में है। शरीर कोशिश करेगा कि आप पाप करो, मौका ढूंढेगा कि आप पाप में जाओ, जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं आपको फिर से पाप कराएगा, पर आत्मा जिसको पता है कि उसका अंतिम ठिकाना कहाँ है, वो एक ही चीज पे लगेगा। गलातियों 5:16, पहले वचन को खोलेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका मतलब क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा तुम्हें चलाता है, आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है, तो तुम कभी भी शरीर की अभिलाषाओं, शरीर के वो काम, शरीर की बातें, तुम कभी उनको पूरा ना करोगे। कब? जब आत्मा तुम्हें चलाएगा। कितने लोगों को आत्मा, पवित्र आत्मा चलाता है, पर आप पवित्र आत्मा के कितनी सुनते हो? सारी बातें सुनते हो? इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी अभिलाषा या कोई भी ऐसा पाप, कोई भी झूठ आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब यही है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो जब आप इस संसार में जा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने दिन को बिता रहे हो, तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है आपके जीवन में, ऐसी बात नहीं है जो आपको पाप करा रही है, आपको ऐसा पाप नहीं है जो गलती से आपसे हो रहा है, इसका मतलब यही है। हाँ, आप ऐसे लोग हो, न्याय के दिन में न्याय सबका होगा, जो जोर से यस कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, अपने आप से हाँ नहीं, पवित्र आत्मा या परमेश्वर की हाँ आपको मिलनी चाहिए। अगर आप आत्मा से चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, याद रखो आप कभी भी दुष्टता
में नहीं पढ़ते, कभी भी गंदे काम आप नहीं करते, कभी भी बुरे काम आप नहीं करते। वचन में लिखा है हर बुरे काम करने वाले का कहाँ पे पाया जाएगा वो व्यक्ति? उस नरक की आग में जो दुष्ट शत्रु शैतान के लिए बनी है वो उसमें पाया जाएगा। कौन? जो गंदे काम करते हैं, जो जिनका मन शुद्ध नहीं है, जो परमेश्वर के उन बातों को सुनते तो हैं पर उन पर चलते नहीं हैं, जो वचन तो वचन से तो भरे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है तो बहुत पता है, पर जब बात आती है समझौते की वो यीशु को छोड़ देते हैं, पर वो अभिलाषा, वो धन जो इस संसार में, उसे नहीं छोड़ते। हमें पता है कि क्या हमारे हमें अपने जीवन में करना है, हमें पता है, पर जब बात आती है कुछ चीज़ें छोड़ने की और यीशु के पीछे होने की, पूरी तरह से यीशु के पीछे होने की, तब हम हमारा दिमाग हमारा मन हमें उन्हीं बातों की ओर ले जाता है जो इस संसार की, यहाँ की ना। इस यीशु ने तो कह दिया पीछे हो ले, हाँ इतना नाम है, इतना लोग जानते हैं, इतना अच्छे से खाता हूँ, उसके पीछे हो गए तो पता नहीं क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा। हाँ बस यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। बड़ा कठिन लगा। वो चाहता है कि आप उन बुरे कामों को ना करें। वो चाहता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, जिसने आपको वो सहायक दिया है वो आपकी अगुवाई। इसलिए जब जब लोग पाप करते हैं एक आवाज़ उनके अंदर आती है कि ये मत कर, ये गलत है, वचन के विरोध में है, इसे तुम मत कर मत कर, इतनी बार अंदर से आवाज़ आएगी। कई लोग तो हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर उस पाप से हट जाते हैं, पर कई है सुनने के बाद इग्नोर करके उस पाप को कर बैठते हैं। कि हमें लगता है कि हम कुछ अपने जीवन में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कोई इसका कुछ, ये कुछ नहीं होता, ये तो छोटा सा पाप है, ये बड़ा पाप है, और मैं कौन सा व्यभिचार कर रहा हूँ या नशे कर रहा हूँ, मैं तो झूठी बोला था, मैं तो सिर्फ यही किया था। परमेश्वर के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। यीशु पवित्र है और वो अपवित्र के साथ रह ही नहीं सकता, वो पाप के साथ रह ही नहीं सकता। वो पाप वाले व्यक्ति को, पापी को वो अपने हजूरी में लेकर ही नहीं आ सकता। इसलिए वो क्या, उस यीशु ने क्या किया, यीशु ने जब हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, तब हम परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के सामने आने का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। हालेलुया। गलातियों 5 कई, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। हमें बताया इससे सबसे ज्यादा इस अंतिम दिनों में जो पहला वर्ड है उसी के ऊपर शैतान ने सबको पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं इस संसार में। व्यभिचार भी, यानी कि लड़की के साथ जो बिल्कुल ही विपरीत हैं, जैसे सदोम और गमोरा में हुआ, आदमी आदमी से औरत औरत से ब्याह करने लगा, शादी करने लगा, जिसके द्वारा यीशु का, परमेश्वर का प्रकोप बरसा और उसने कहा कि मैं इसे नाश करूंगा, उसे नाश किया। नूह के समय देख लो, ये पाप तब भी था, आबादी जितनी अब है उतनी थी, और कहा कि मैं इन मनुष्यों को बना के पछताया हूं, उनकी ओर ध्यान लगा रहा था और कहा था क्या कर रहे हैं ये, इनसे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, इन सबको मैं नाश करने वाला हूं। पर उसने जब अपनी दृष्टि नूह पर लगाई, वचन में लिखा है उसकी खराई को देखकर उसने कहा मैं नूह को खरा मनुष्य पाया है। और नूह के द्वारा हमें पता है नूह बचाया गया, नूह को परमेश्वर ने, नूह से बात करी और किस रीति से उसने जहाज बनाया, आपको हमें पूरी इस चीज को पता है। और मैं हमेशा एक मसीह व्यक्ति को एक ही बात बोलता हूं कि शारीरिक कान जितने आपके खुले हैं उससे ज्यादा आपके आत्मिक कान खुले होने चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति को जितनी आपकी शारीरिक आंखें खुली हैं उससे ज्यादा आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। आपको पता है कि इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा, आपको पता होना चाहिए। इस कदम को बढ़ाऊंगा तो मेरे सामने वो गड्ढा है और हो सकता है मैं उसमें गिरूं, और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा सेफ है, और थोड़ा कठिन तो है पर ये सेफ है। आप प्राप्त कर सकते हो हर वो चीज़ को जिसके लिए आप आए हो उसके लिए, पर आपको सुनना ज़रूरी है कि
यहोवा आपसे क्या कहना चाहता है, यहोवा का वचन आपसे क्या कहना चाहता है, किन चीज़ों को आपसे छुड़वाना चाहता है आपके जीवन से, कौन सी चीज़ें वो कहता है कि इन्हें त्याग दे, इन्हें हटा दे, और किन को पकड़ ले, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है वचन के द्वारा। जब जब लोगों ने यहोवा की आवाज़ को सुनी, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनी, वो आगे बढ़ते रहे। याद रखो, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य देख लो, जब जब उन्होंने यहोवा की आवाज़ सुनी, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है तो आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, चिंतित नहीं होते। आपको पता होता है कि मैं राइट हूँ, राइट ट्रैक पर चल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अनंत काल का जीवन मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब है परमेश्वर मेरे साथ साथ है। मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहोवा जिसने वायदा किया है वो मेरे साथ साथ इस स्थान पर भी है। इसलिए एक ही बात वो कहते हैं उस जगह पर, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। मैं इसलिए कलीसिया को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है जब आप उसकी सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आत्मिक आंखों को, अपनी आत्मिक कानों को आप जब खोलते हैं, तो वो वचन आपके सामने आते हैं, वो वचन आपके कानों में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा की एक ऐसी आवाज़ आपको पढ़ती है जिसके द्वारा आप उस अभिलाषाओं से, उस दुष्टता से, उस संसार के कामों से अपने आप को कंप्लीटली हटाकर यीशु की ओर फोकस कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा होगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और जो तीसरी बात थी जो हमने पढ़ी, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के से चलो, मेरा विश्वास है शरीर की कोई अभिलाषा आपके जीवन में कभी पूरी ना होगी यीशु के नाम से। तीन चीज़ें जो हमने सीखी आज, पहली बात थी अपने आप को मरा हुआ समझना, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, हर चीज़ को मार देना, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैंने अपने आप को मार दिया है, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है और यीशु मसीह इस चीज़ को नहीं कर सकता, यीशु इस पाप को नहीं कर सकता, यीशु इस अभिलाषा सांसारिक वस्तुओं को पीछे अपने ध्यान को नहीं लगा सकता, वैसे ही आप बन जाओगे। हालेलुया। दूसरी बात है अपने आप को, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। प्रभु ने क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक ही बात याद रखते हुए कि यीशु ने उन चीज़ों को क्रूस पर ले लिया, तो अपने सारे बोझ को, अपने सब बातों को यीशु पर डाल दे, उसे उनका ध्यान है। हालेलुया। क्या लिखा वचन के अंदर है, सब परीक्षा और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा। आपको विश्राम देने के लिए आए, अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं सब उस क्रूस पर डाल दो। और तीसरी बात हमने क्या देखी कि परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर को मैं गंदा होने नहीं दूंगा, इस पाप को मैं इस जीवन में नहीं होने दूंगा, इस शरीर के द्वारा नहीं होने दूंगा। वो पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने जीवन में रखना, उसके द्वारा मेरा विश्वास है आप सेफ जोन में होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका विश्वास संभला रहेगा, अंत तक आप दौड़ोगे, अपनी दौड़ को पूरी करोगे और उस इनाम को प्राप्त करोगे जो यहोवा ने आपके रखा है यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई भी अभिलाषा आपको पीछे ना रहने दे। लूत की पत्नी के विषय में हमने देखा, हाँ पीछे देखा और नमक का खंभा बन गई। ध्यान कहाँ गया, ध्यान कहाँ गया, संसार की ओर। मेरी चीजें, मेरी बातें, मेरा धन, कोई चेन, ये दिमाग में जब आपके आता है तो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा होता है उससे वंचित होके आप भी अपने आप को नाश कर देते हो, जो यहोवा नहीं चाहता हो आपके साथ। मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहोवा कभी नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ, यहोवा कभी नहीं चाहता कि आपका विनाश हो, वो आप खुद कराओगे अगर कराओगे तो। उसने तो आपको बार बार वार्निंग दी, समय समय पर आपको जागृत किया कि मैं आने वाला हूँ, मन फिरा ले, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। और मेरा एक ही प्रार्थना है उस वार्निंग के द्वारा आप सीरियस होने पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से।